हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज के वीडियो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझने जा रहे हैं, जो टॉपिक आपको हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जानो तो उसको कोई और सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज हो या ना हो तो बोलेगा बंदा, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो क्या बोलता है, ऑटोकैड के बारे में पता है आपको? हाँ सर पता है, कुछ लोग बोलते हाँ सर पता है। फिर वो उसका क्वेश्चन होता है, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन होता है कि टेल मी एनी फाइव क्वेश्चंस, एनी फाइव कमांड्स रिलेटेड टू ऑटोकैड। आपने क्या क्या फाइव कमांड तो पूछा है, और आपने बहुत ही इजी टर्म में फटाफट लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, रेक्टेंगल, मूव कॉपी कर दिया, करेक्ट है? उसको समझ में आ गया कि आपको कितना आता है ऑटोकैड, आपको कितना ऑटोकैड आता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऑटोकैड डीपली नहीं आता है तभी आप ऐसे कमांड्स का यूज करोगे। आपको ये नहीं बोलना है कि पॉलीलाइन, आपको ये नहीं बोलना है कि लाइन, ये जो भी ऑटोकैड एक दिन ऑटोकैड का वीडियो यूट्यूब पे देख के जाता है इंटरव्यू में वो बोल के चला आता है। आपने अलग क्या किया, अगर आपके पास ऑटोकैड की सही स्किल्स है तो, अगर सही स्किल्स है तो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है जिनको आप इंटरव्यू में डिस्कस करिए, इंटरव्यू में बताइए, जिससे सामने वाला आपके आंसर से अट्रैक्ट हो कंपेयर टू अदर्स। क्योंकि अदर्स क्या करेंगे, वो भाई वो ही बताएंगे आंसर, बट वो नहीं बताएंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमांड है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड जो इंटरव्यू में बताने के लिए चाहिए, जैसे कि अगर उसने बोल दिया कि कभी कभी तो खुद पूछ लेते हैं कि इस कमांड की शॉर्टकट क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बट अगर उसने खुद से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि टेल मी एनी फाइव इंटरव्यू एनी फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑटोकैड, सॉरी यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो, टेल मी एनी फाइव इंपॉर्टेंट कमांड्स इन ऑटोकैड, तो आपको क्या बताना है, थोड़े हाई लेवल की कमांड बताइए। जैसे आप बताइए उसको एक्सरे कमांड, क्या एक्सरे कमांड? अब वो सोचेगा हाँ इसको तो थोड़ा आता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा एक्सरे कमांड, बट यूज क्यों करते हैं, आपको भी बड़ा डीप में पता होना चाहिए। तो मैं अभी आपको एक स्लाइड भी दे दूंगा यहाँ पे, पर उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरे कमांड है ये हमारी फाइलों को इम्पोर्ट करने का काम आता है, मीन्स जेपीजी को, पीएनजी को, जेपीजी समझ रहे हैं ना, जो भी आपकी इमेजेस फाइल है, जो भी आपकी डीडब्ल्यूजी की अलग दूसरी फाइल्स हैं, जो आपकी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल है उनको इम्पोर्ट करने के लिए, पीडीएफ को इम्पोर्ट करने के लिए, सबको इम्पोर्ट करने के लिए एक कमांड है जिसका नाम है एक्सरेफ, ठीक है? अब अगर ये आपको थोड़ा सा भी अगर इसके बारे में पता है, फिलहाल क्या बोलते हैं, मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा, पर अभी जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देख लीजिए, एक्सरेफ कमांड के बारे में थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। ओके, अब एक्सरेफ कमांड के बाद आपसे पूछा कि दूसरी कौन सी कमांड के बारे में आप जानते हो, तो कैसे एक्सरेफ ओवरकिल। अब वो बोलेगा ओवरकिल, ओके मतलब थोड़ा सा तो इसको पता है, ओवरकिल मतलब होता है अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को बनाया है तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग लॉ, ठीक है, ड्राइंग लॉ कहता है कि डबल लाइन नहीं होना चाहिए एक लाइन के ऊपर, तो एक लाइन के नीचे वाली जो दूसरी लाइन है उसको रिमूव करने के लिए ओवरकिल होता है, ओवरकिल से सारी डबल लाइनें निकल जाती है। तो आप अगर ये बताते हो तो थोड़ा सा और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, करेक्ट है? चलिए, आपने उसको और के लिए बता दिया, ये बता दिया, इसके बाद और भी थोड़ी थोड़ी और अच्छी अच्छी कमांड बताई, जैसे कि रीएसोसिएट कमांड। अब वो बोलेगा ये तो थोड़ा सा ही हाई लेवल का है ना, तो रीएसोसिएट कमांड क्या होता है, वो क्या होता है कि अगर आपका डायमेंशन आपने 100 mm दिया है किसी लाइन का, आपको पूरी लाइन का डायमेंशन नहीं चाहिए, आपको 50 mm का लाइन, 50 mm की ही केवल लाइन चाहिए, तो आप रीएसोसिएट कमांड लगा के डायमेंशन के अंदर, एनोटेट के अंदर होता है रीएसोसिएट कमांड, आप 100 को 50 mm का डायमेंशन दे सकते हो, मीन्स डायमेंशन को एडिट कर सकते हो, कुल मिला के आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? अब और भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसे बहुत सी कमांड्स, जैसे कि एक और कमांड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब इस कमांड का क्या यूज है, ये कमांड क्या करता है, ये एक इनफाइनाइट लाइन खींचता है किसी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे, किसी भी एंगल पे, कहीं पे भी, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और एंगल के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड है ये, जो कि रेफरेंस लाइन के रूप में हम लोग काम हम लोग के लिए यूजफुल आता है। जैसे कि अगर आपको किसी भी प्लान का सेक्शन एलिवेशन बनाना है तो रेफरेंस खींचना है तो बहुत ही इजीली इससे हो जाता है, तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन पता होना चाहिए। आप उस पूछ लेते हैं कभी कभी कंस्ट्रक्शन लाइन या कोई भी कमांड हो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है एक्स एल, क्या होती है एक्स एल, ठीक है? तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में अच्छे से पता चल गया, ठीक है? इसके बाद अगर आपसे और भी कोई कमांड पूछा है फाइव कंप्लीट करना है तो आप बोल दो उसको लेयर्स, ठीक है? अब लेयर्स का क्या यूज है, अब लेयर्स का यूज होता है कि लेयर कमांड से हम लोग एक ही डाटा सीट पे, एक ही पेपर पे सारे प्लान नहीं बनाते, हम लोग हर एक काम के लिए अलग अलग कमांड बनाते हैं। जैसे कि जब हम लोग खाते हैं तो क्या करते हैं, हमने सब्जी को एक अलग से कटोरी में रखा है, ठीक है,
और दाल को अलग में रखा है, ठीक है, और क्या बोलते हैं पनीर की सब्जी को दूसरे में रखा है, और रोटी को अलग रखा है, चावल को अलग रखा है, इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे से हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया, राइट। ऐसे ही हमारी लेयर कमांड होती है, लेयर कमांड से हम लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा व्यवस्थित कर लेते हैं। हाँ, जिस डोर को हमने अलग विंडो पर रख दिया, मतलब डोर को अलग सीट पर रख दिया, विंडो को अलग सीट पर रख दिया, और प्लान को अलग सीट पर रख दिया, और क्या बोलते हैं अपना ये जैसे कि टेक्स्ट है, डायमेंशन है, इन सब चीजों को अलग अलग सीट पर रख दिया। अब इसमें फायदा क्या होता है, इसमें फायदा ये होता है कि अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डाटा सीट में कुछ चेंजिंग चाहिए, प्लानिंग में कोई चेंजिंग चाहिए, सारे लेयर्स को ऑफ कर दो, केवल प्लान वाला निकाल लो, केवल प्लान वाला निकाल लो। फटाफट आपने प्लान को बारे में निकाला और प्लान को एडिट किया, फिर उसके बाद सबको मिक्स कर दिया। इसका और भी जैसे मैं इंडस्ट्री में जब काम कर रहा था तो वहां पे एक मास्टर प्लान बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? मास्टर प्लान। अब मैं क्या करता था, पूरे मास्टर शीट में, मतलब जो मास्टर प्लान होता है उसमें सब कुछ बना लेता था। मींस उसमें हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग दे देते थे, उसमें हम लोग प्लम्बिंग दे देते थे, उसमें हम लोग सेटअप दे देते थे, आर्किटेक्चर सेटअप दे देते थे, कहाँ पे क्या चीज रखना है, उसमें हम लोग दिखा देते थे कि बाहर से बीम और कॉलम कैसे, मतलब बीम और कॉलम की क्या साइजेस रखेंगे, ये सारा कुछ हम लोग एक मास्टर प्लान में बनाते थे। फिर क्या करते थे, जैसे कि अभी हमें उसको मास्टर प्लान को देना है इलेक्ट्रिशियन को, देना है किसको देना है, इलेक्ट्रिशियन को। अब इलेक्ट्रिशियन को क्या देता थे हम लोग, उसको सब कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग क्या करते थे सिर्फ और सिर्फ सारी लेयर्स को ऑफ कर देते थे। लेयर आपको लेयर का लेक्चर मेरा शायद है यूट्यूब पे, नहीं होगा तो मैं अपलोड करता हूँ। तो सारी लेयर को ऑफ कर दिया और केवल केवल हमने इलेक्ट्रिकल पोजिशंस और वॉल जहाँ पे इलेक्ट्रिक लगाना है बस उतना सा उसको दिया। तो क्या करेगा, अगर आपने सही से प्लान देखा है, मैं एक प्लान अभी इधर दिखा दूंगा कि अगर सही बड़ा प्लान देखा तो आप कंफ्यूज होगे क्या है ये प्लान, बट अगर आपने केवल उतना उसको दिया तो इलेक्ट्रिशियन वो समझ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं यार, इतना ही तो है अपने को। अब आर्किटेक्चर वाला बंदा है, अब उसको आपने एमईपी भी दे दिया, उसको प्लम्बिंग पूरा दे रहे हो, पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग दे रहे हो, और उसको पता नहीं चलेगा सोफा लगाना कहाँ पे है, तो उसको क्या करने का, वॉल का पोजिशन दो और सोफे का पोजीशन दे दो कि आपको यहाँ यहाँ पे लगाना, फटाफट वो लगा के चला जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्राइंग स्ट्रक्चर इंजीनियर को देना है, अब उसको ये सब आर्किटेक्चर से क्या मतलब है, उसको क्या चाहिए बीम्स और कॉलम की पोजीशंस देखना है ना, तो फटाफट स्ट्रक्चर के लिए सारी लेयर्स को ऑफ करके फटाफट स्ट्रक्चर का टर्म्स देख लिया, करेक्ट है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेयर्स कमांड को यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। अब इसके बाद एक और लास्ट इंपॉर्टेंट कमांड आपको बताता हूँ, ये है डाटा एक्सटेंशन। डाटा एक्सटेंशन क्या करता है, ये हमने पूरे ऑटोकैड में क्या क्या, मतलब कि कोई प्लान बनाया है उसमें क्या क्या यूज किया, कितने टाइप्स के लाइन, कितने टाइप्स के लेयर, कितना एरिया, कितना डोर, कितना विंडो, क्या क्वांटिटी, सब कुछ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, कभी भी आपको कहीं नहीं मिलेगा मुझे लगता है। तो इस कमांड के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा डाटा सीट निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इस कमांड को ट्राई करके देखिएगा, मैं क्या बोलते हैं नीचे कमांड की शॉर्टकट की कमांड लिख के आपको देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन सब कमांड्स को आप प्रैक्टिस करिए, और इन सब कमांड को थोड़ा सा बताएंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब कि सामने वाले को लगता है थोड़ा अच्छा पता है। लाइन पॉलीलाइन सर्किल और रेक्टेंगल पॉलीलाइन मूव कॉपीज तो सबको पता है, ये कोई इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है, तो हम लोग उसको प्रीफर नहीं करते। किसको प्रीफर करेंगे, थोड़ी हाई लेवल की कमांड्स, और भी ज्यादा हाई लेवल की कमांड्स हैं अपने पास, अगर उसको भी आप चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स सॉरी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि सर और भी ज्यादा इस पर वीडियो बनाए, तो ऑफकोर्स मैं बनाता हूँ इस पर वीडियोस। और साथ ही साथ एक और चीज बताता हूँ, कई लोग से पूछा जाता है कि फाइल फॉर्मेट बताओ, मीन्स ऑटोकैड का फाइल फॉर्मेट। अब लोग क्या बोलते हैं, डी डब्ल्यू जी, भाई डी डब्ल्यू जी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, डॉट डी डब्ल्यू जी, डॉट डी डब्ल्यू जी क्यों बोलना है, पूरा का पूरा हमें डॉट का एक वैल्यू है, डॉट से ही एक्सटेंशन बनता है, अगर हमने डॉट ही नहीं डाला ना तो डी डब्ल्यू जी किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरा बताना है, रेबिट का बताना है, क्या बताना है, आरबीटी नहीं, सबको पता आरबीटी क्या बनाना है, डॉट आरबीटी, ठीक है। रेबिट फैमिली का डॉट आरएफटी, ठीक है। स्टैट्रो का डॉट एसटीडी, ठीक है। तो इस तरह से फाइल फॉर्मेट बताते टाइम आपको उसका डॉट का जरूर वैल्यू रखना है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यार मैं थोड़ा बहुत एफर्ट कर रहा हूँ और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियोस लेके आऊँ, तो आप भी थोड़े से मेरे लिए कोशिश करो। कोशिश बस ये करना है कि आप हो सके तो अपने व्हाट्सएप पे एक मेरा स्टेटस लगा सकते हो और फेसबुक पे अपने पेज पे शेयर कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स पे आपको डीप नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू लाइक। थैंक यू, जय हिंद।